प्रबुद्ध नागरिक विचार मंच गिरिडीह के बैनर तले गुरुवार को विशाल सिंह की निर्मम हत्या के विरोध में झंडा मैदान से कैंडल मार्च निकाला गया। यह मार्च झंडा मैदान से टावर चौक पहुंची, जहां छात्र विशाल सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान प्रबुद्ध लोगों ने हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तारी और फांसी की सजा देने की मांग की। साथ ही मृतक के परिवार को उचित मुआवजा देने का भी मांग किया गया। प्रबुद्ध नागरिक विकास मंच के अध्यक्ष गौरी शंकर सिंह ने कहा कि विशाल सिंह की हत्या जानबूझकर की गई है। पुलिस जल्द से जल्द उस हत्यारे को पकड़कर कड़ी से कड़ी सजा देने का काम करे। संयोजक विनय कुमार सिंह ने कहा कि दिनों दिन गिरिडीह में अपराध के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जो काफी निंदनीय है। लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने 24 घंटे के अंदर विशाल सिंह के हत्यारे को पकड़ने की बात कही थी, लेकिन अभी तक आरोपी गिरफ्त के बाहर है। उन्होंने पुलिस से जल्द हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग की, अन्यथा 11 तारीख को पूरा गिरिडीह जाम करने की बात कही। मौके पर कांग्रेस नेता धनंजय सिंह, ज्योतिन्द्र प्रसाद, आम आदमी पार्टी के कृष्ण मुरारी शर्मा, लक्ष्मण सिंह, गौतम देव समेत जिले के सभी पार्टियों के नेता मौजूद थे। लाल कुमार सिंह की नृशंस हत्या बहुत ही घोर अपराध और दंडनीय है, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। गिरिडीह में एक समय था जहां शांति से लोग रहते थे, लेकिन आज के समय में कोई भी अपने को सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा है। ये बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आज हम सभी गिरिडीह के पार्टी से ऊपर उठ करके, जाति से ऊपर उठ करके, समाज से ऊपर उठ करके कल भी बैठक किए थे, परसों भी शाम में यहाँ थे, और पुनः कल अगर प्रशासन के द्वारा 24 घंटा का यह आश्वासन दिया गया था कि दोषी व्यक्तियों को पकड़ करके चिन्हित कर करके उसके विरोध उचित कानून कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक संचालन समिति को कोई भी रिपोर्ट उन्होंने नहीं दिया, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर कल तक नहीं आएगा तो परसों हम लोग गिरिडीह को पूरे जाम करने के लिए यहाँ का गिरिडीह के सभी नागरिक एकजुट होकर करके बाध्य होंगे। ये जो परसों विशाल सिंह की निर्मम हत्या हुई है, तो ये पुलिस प्रशासन के लिए शर्मनाक होना चाहिए। हम गिरिडीह वासियों के लिए तो ये बहुत दर्द का विषय है, और इस तरह के 17 साल के एक किशोर का इस तरह जलाकर मार दिया जाना दिन दहाड़े, यह पुलिस प्रशासन पर एक जोरदार तमाचा है। और हम सभी गिरिडीह वासी आज विशाल को श्रद्धांजलि देते हुए यह मांग करते हैं कि जल्द से जल्द पुलिस प्रशासन इसके हत्यारों को पकड़े और इसके हत्यारों को कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। पूरे जिले में जिस प्रकार से हत्याएं हो रही है, जिस प्रकार से घटनाएं हो रही है, निश्चित हम कहेंगे कि गिरिडीह एक अव्वल खराब तरीके से गिरिडीह को जाना जा रहा है। जिस प्रकार से हत्या लगातार साथ इस प्रकार से है कि आप कई हत्याओं का उद्भेदन नहीं कर पाए, चाहे वो बनखंजों का मामला हो, चाहे मैगजीनिया का मामला हो, चाहे भंडारेडी आज़ाद नगर का जो है, आप उद्भेदन नहीं कर पाए। इसका मतलब कि आपका जो तंत्र है वो तंत्र बहुत कमज़ोर है, और उस कमज़ोर तंत्र के बदौलत आपने गिरिडीह को झोंक दिया है। हम आपको 24 घंटे का सबक दिए थे, इसके अलावे अगर कल शाम तक अगर क्लियर नहीं होता है तो पूरे गिरिडीह में पूरे आंदोलन के तौर पर हम लोग बताएंगे कि किससे आपको मुलाकात हुई है। खामोश, आपको खामोश करेंगे हम लोग, और आप गिरफ्तार करना पड़ेगा आपको, किसी भी हालत में करना पड़ेगा।